हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पेलिकन फैंस। मैं हूं श्रेया और ये है मेरी दोस्त प्रज्ञा। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको हमारे बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट का लोकेशन बताया एंड ये भी बताया कि ये मुंबई का सबसे फर्स्ट बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बायोफ्लॉक में किस तरह के फिशेस कर सकते हैं और हमने किस टाइप के फिशेस का सेटअप किया है, इसका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो होता ये है कि जिसकी हाई मार्केट वैल्यू, जैसे कि जिस फिशेस की मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा होती है, लोग नॉर्मली वो फिशेस की फार्मिंग करने में ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि बिनामी प्रॉन्स या सी बैस। सो लोग नॉर्मली ये फिशेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज लोग सोचते हैं कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बट हमने ये सब नहीं ट्राई करते हुए हमने तिलापिया इससे स्टार्ट किया है। देखिए, अगर आप बायोफ्लॉक में नए हैं और आपको इन्वेस्ट करके लॉस नहीं करना है, जिससे होता ये है कि फार्मर्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमें धीरे धीरे सीख के वन बाय वन स्टेप लेना है। प्रॉन्स में वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस प्रॉन्स ये ऐसी स्पीशीज़ है जो बहुत डेलिकेट है, इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। सो हम इनिशियली प्रॉन्स की फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप इनिशियली 5-10 टैंक का सेटअप कर रहे हो, तो प्रॉन्स की सीड्स छोटे क्वान्टिटी में नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। हम इवेंचुअली सीवैस की फार्मिंग भी ट्राई करने वाले हैं, बट इनिशियली हमने सीवैस की फार्मिंग इसलिए ट्राई नहीं की बिकॉज हमने खुद ने ये पूरा साइकिल प्रैक्टिकली किसी फार्मर के पास देखा नहीं है। एंड इसकी सीड्स बहुत एक्सपेंसिव आती है, जैसे कि 15-20 रुपए की एक सीड होती है। सो हमने इनिशियली सीबास की फार्मिंग नहीं ट्राई की है। तो हमने जो फिश चुना है वो है तिलापिया। काफ़ी स्टडी करने के बाद हमने ये फिश को चुना है। पहले तो हमने सीड्स लाकर ट्राई किए, ऐसे नहीं कि हमें मोर्टैलिटी नहीं हुआ, हमें काफ़ी मोर्टैलिटी हुआ, लेकिन फाइनली धीरे धीरे सब हम उसे कंट्रोल में ला पाए। अब इसके बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो तिलापिया हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक परफेक्ट बायोफ्लॉक फिश बनती है एंड तिलापिया एक स्टर्डी फिश है, यानी कि इसकी मोर्टालिटी आपको काफ़ी कम देखने मिलती है एंड बायोफ्लॉक एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। तिलापिया के कल्चर काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड हमने ये चीज़ देखी है। सो यू कैन से इट्स अ प्रूवन टेक्निक। तिलापिया के सीड्स काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे कि 2 रुपये में आपको एक सीड मिल सकती है, और अगर आप क्वांटिटी में स्टॉक कर रहे हो तो ये सीड्स आपको और सस्ते में भी मिल सकती है। यानी कि अगर आगे जाके कुछ ऊपर नीचे भी होता है, सो यू कैन अफोर्ड टू रीस्टॉक इट अगेन, नोइंग हमने कहाँ गलत किया है। और एक बात ये इस फिश की ये है कि ऑक्सीजन के बिना काफ़ी समय तक रह सकती है। सो अभी हम देखते हैं कि अभी जो तिलापिया हमारे पास है वो क्या साइज़ की है। अभी फ़िलहाल तो स्टॉकिंग कम है इसमें, लेकिन अभी आने वाले वीडियोस में हम स्टॉकिंग करने वाले हैं, जिसका वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे। सो कैसे स्टॉकिंग करना है, कौन सी फीड होनी चाहिए, कितना स्टॉकिंग करना है, ये सब हम आगे के वीडियोस में बताने वाले हैं। वीडियोस वी विल ट्राई टू कीप शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो क्या होता है ना, बड़ा वीडियो होने से कोई कोई लोग इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, comment, subscribe and don't forget to hit the bell icon to get our latest updates for the upcoming videos. Stay tuned. Thank you.